नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले एक नए ड्रग्स के बारे में। तो उस ड्रग्स का नाम क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सेफ्रेक्साजोन नाम का केमिकल सुना होगा, सब्सटेंस जो कई अलग अलग नाम से भी आते हैं। तो फिलहाल मैं फाइनसेफ नाम का एक इंजेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि 1 ग्राम का है और इसका यूज कई तरह का होता है। यह है क्या मेनली, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। तो ये जो फाइन्स से आप लोग ब्रेक निकला था, सो कर रहा होगा, थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि शायद धूप उधर से धूप आ रही है, ठीक रहा ना। तो फाइन से 1 ग्राम का है और इसका जो केमिकल जो सस्टेंस है वो सेफ्रेक्साजोन के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद इसको देना कैसे है, तो इसको हमको आईवी देना है और आप आईएम भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको आईवी ही दिया जाता है, या तो लोग इसको चढ़ा देते हैं, ड्रिप चढ़ा देते हैं, और इसको डायरेक्ट वेन में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेनली वेन से ही लगता है, ठीक है। और सबसे पहले आप कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। हम बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट घर में ला कर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और इसका यूज काफ़ी जगहों पर होता है, हमारे बॉडी कई फंक्शंस में होता है। इसके बाद ये जो एंटीबायोटिक है, ये सिफेलोस्पोरिन नाम का एक ग्रुप है केमिकल्स में या सब्सटेंस में, तो उसका एक सदस्य है, ठीक है। तो उसका आपको ग्रुप भी पता चल गया, उसका यूज भी, एंटीबायोटिक भी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको फीवर आ गया, नॉर्मली फीवर ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, एंटीबैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल के रूप में ही यूज होगा। जैसे कि आपका फीवर हो गया, आपको आई में कोई दिक्कत हो गई, ईयर में कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, लंग्स में कोई दिक्कत, जैसे लंग्स में डायरिया वगैरह हो जाता है, डायरिया हो गया, ठीक है, और कोई दिक्कत, और इससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अगर कहीं आपको जैसे नॉर्मल कहीं आपने ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन के बाद भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एज एंटीबायोटिक घाव को सुखाने के लिए, ठीक है। तो और इसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब माइनर साइड इफ़ेक्ट है, छोटे मोटे, कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसे यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई दिक्कत हो गई, जैसे आप पेशाब का रास्ता बोलते हैं ना, तो वहाँ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, इससे ब्रेन में भी कोई दिक्कतें होती है, जैसे मान लो कोई दिक्कत हो गई, इसमें एंजाइटिस हो गई, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और बीमारियाँ कई अलग अलग है, तो जैसे डॉक्टर को जो लगता है डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही चलाता है फिर से। तो अगर ज़रूरत पड़ी इसको हाई एंटीबायोटिक की तो हाई एंटीबायोटिक चलाएगा, ज़रूरत पड़ी कम की तो 500 ग्राम भी चला सकता है। ये 1 ग्राम का है, सॉरी 500 mg का, ठीक है, ये 1 ग्राम का, मतलब 1000 mg का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन चलवाएं। ये जानकारी केवल इसलिए है कि आपको ही पता चले कि ये, अगर आप डॉक्टर अगर आपको दवा दे रहा है तो किस चीज़ की दवा है, गलत दवा तो नहीं दे रहा है। कभी कभी होता है कुछ गलती से भी कोई मेडिसिन लग जाती है, या कोई अनजान व्यक्ति आपको दवा दे दिया, उसको जानकारी नहीं है और वो डॉक्टर है या मेडिकल शॉप में फार्मासिस्ट के रूप में बैठा हुआ है। तो कम से कम कॉमनली आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या दे रहा है हमको सामने वाला बंदा, इसलिए वीडियोस आप देखें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद के डॉक्टर हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, मैं खुद मतलब पेशेंट देखता हूँ और मेरा काम यही रहता है। तो मुझे लगा कि कुछ वीडियो बनाने चाहिए जनरली सब लोगों के लिए, कि आम लोगों को भी जानकारी मिल सके, ठीक है। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया इस ड्रग्स के बारे में। अगर आप कभी इसको यूज करते हैं, अगर कोई डॉक्टर अगर यूज करता है तो आपको पता चल सकेगा कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक है और लगभग बॉडी के हर एक पार्ट जितने फंक्शन है, लगभग सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग सभी चीज़ों में इसका यूज होता है एज ए एंटीबायोटिक के रूप में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।